वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप को डाउनलोड कीजिए आप, स्पॉट चेक, PNR, सीट नंबर सब चेक कर सकते हो, और आप ट्रेन को भी ट्रैक कर सकते हो कि ट्रेन कहाँ पे पहुँची है और ये लाइव लोकेशन पे अवेलेबल है। बहुत सारी फैसिलिटी है ये ऐप की, आप ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो स्टेशन के द्वारा कि वरुरा स्टेशन पे कौन सी ट्रेन आने वाली, क्या है, कौन सा स्टेटस है, आप सब चेक कर सकते हो। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए और रेलवे को एंजॉय कीजिए। क्या यार, मस्त बारिश हो रही थी और बारिश ही बंद हो गई। Do not attempt to adjust your dial. I'm transmitting live with the hardcore style. Fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul Large Pro. Straight out the gate with the... So hey guys, good morning and this is PKM and welcome back to my YouTube channel. So मैं आपसे बहुत ही एक important बात करना चाहता हूँ लोकशक्ति एक्सप्रेस के बारे में। मैं ट्रेन फैन हूँ, रेल फैन हूँ, बहुत ही बड़ा रेल फैन हूँ, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ लोकशक्ति एक्सप्रेस के बारे में। ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं इंडिया में, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो ये मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोकशक्ति एक्सप्रेस के बारे में बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैं आपसे यही पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ ये पहले वीडियो देखिए, मैं बाद में आता हूँ। एज़ यू कैन सी, आप देख सकते हो कि मैंने ये लोकशक्ति एक्सप्रेस का फ्लो डायग्राम बनाया है। 22927, 22928 अप एंड डाउन लाइन, ये मुंबई की ओर जाती है और ये अहमदाबाद की ओर जाती है। तो आप देख सकते हो कि रात को अहमदाबाद से 9:10 पे ट्रेन खुलती है। सो वो स्टॉपेज कर करके वो पहुंचती है बांद्रा टर्मिनल्स और उसका टाइम है सुबह 5:50 पे, और उसका जर्नी टाइम है 8:30 और स्टॉपेज है 16, और रिटर्न में बांद्रा टर्मिनल से वो खुलती है 7:40 पे, और वो सब स्टॉपेज करके पहुंचती है 4:20 सुबह। सो आप देख सकते हो कि रिटर्न में वो बांद्रा से जब अहमदाबाद आती है तो 21 स्टॉपेज लेती है और 8:40 के उनका जर्नी टाइम है। सो 10 मिनट के लिए वो 1, 2, 3, 4 और 5 वीरार, बॉयसर, डानू रोड, बिल्ली मोरा और अंकलेश्वर, जब वो अहमदाबाद की ओर ट्रैवल करती है तो ये सब स्टेशन रुकती है। लेकिन अहमदाबाद से जब बांद्रा टर्मिनल की ओर जाती है तो ये पांचों स्टेशन वो नहीं रुकती, और टाइम अप्रोक्सीमेट सेम टाइम है, 8:30 और 40 मिनट, 10 मिनट का सिर्फ फर्क है। तो रेलवे, आप क्या सोच के ये स्टॉपेज उन्होंने रखा है कि ये वीरार, बॉयसर, दानो रोड, बिल्लीमोरा, अंकलेश्वर, और ये अंकलेश्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का, क्योंकि वहाँ पे GIDC बहुत ही बड़ी GIDC है, और डेली के वहाँ पे 1,00,000 से 1,20,000 डेली पब्लिक वहाँ से ट्रैवल करती है। सो आपने क्या सोच के ये स्टॉपेज रखा, कोसंबा का रखा और अंकलेश्वर का स्टॉपेज अहमदाबाद से मुंबई की ओर नहीं रखा? आपने क्या सोच के ये स्टॉपेज आपने पहले से डिसाइड किया है? सो प्लीज़ आप ये स्टॉपेज पे कंसंट्रेशन कीजिए, दोनों तरफ सेम स्टॉपेज रखिए। ये तो एक एग्जांपल था लोकशक्ति एक्सप्रेस का, लेकिन प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए, आप सभी स्टेशन को, ये दोनों और सेम स्टेशन को आप स्टॉपेज दीजिए, तो अंकलेश्वर से अहमदाबाद या अंकलेश्वर से मुंबई ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अंकलेश्वर से रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज़ आप ये कंसंट्रेशन कीजिए, लोकशक्ति एक्सप्रेस के बारे में सोचिए कि ये स्टॉपेज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉपेज है अंकलेश्वर, ये सब भी ठीक है क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अंकलेश्वर बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे के लिए। सो प्लीज़ आप ये सोचिए कि
हमें ये स्टॉपेज सेम कर देना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और जर्नी आवर भी सेम है, सिर्फ स्टॉपेज का फ़र्क है, लेकिन ये अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ आप आ चुके। सो आपने वीडियो तो देख लिया है, तो कैसा लगा आपको वीडियो? ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था और सभी रेल फैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। और क्या बारिश का मौसम था यार, लुक एट सी देखिए, मस्त बारिश का मौसम है। और ऐसी बारिश के मौसम में बात करना, कैमरे के सामने बात करना, एक अजीब ही फीलिंग है। और ये मस्त बर्ड्स अपना गुनगा रहे हैं, और ये स्क्वायरल अपने दूसरे स्क्वायरल के साथ एक दोस्त बन के खेल रहे हैं। ये मज़ा जो गांव में है ना, ये मज़ा किसी जगह पे देखने को नहीं मिलता है। दैट्स ऑल गाइस, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के लिए ही आया था, ये पॉइंट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। दूसरे रेल फैन के बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा। सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेल फैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लव यू सो मच, बाय। ऐसे बारिश में मुझे एक गुजराती शायरी याद आई है, आवरे वरसाद ढेबरियो वरसाद ऊनी ऊनी रोटली ने कारेला नो साक।